श्रीराम समर्थ अप्रैल 16 व्यावहारिक वासना तृप्त करने के लिए संत नहीं होते। हमें नौकरी चाहिए तो हम जहां नौकरी देने वाला होता है वहां जाते हैं। वैसे ही यदि हमें भगवान से मिलना हो तो हमें जहां संत होते हैं वहां जाना चाहिए। परमेश्वर का स्वरूप जानने के लिए संतों के पास जाना जरूरी है। संतों का अस्तित्व उनकी देह में नहीं, उनके वचनों में है। संतों का चित्त निर्विषय होता है। रात में सब लोगों के सो जाने पर सिपाही गश्त लगाते हैं। वैसे ही साधु संत हमारी असावधान अवस्था में जागृत रहते हैं। हम जब सोए होते हैं तब वे हमारी वृत्ति की जांच करते हैं। एक नारी को बच्चा हुआ, उस बच्चे के पेट में मरोड़ आने लगी और वह झूले में यूं ही गुमसुम पड़ा रहता था। वह ठीक बढ़ता नहीं था, खुलकर हंसता खेलता नहीं था। बच्चे की ऐसी हालत देखकर माँ को अच्छा नहीं लगता था। ठीक ऐसा ही संतों को शिष्य की हालत देखकर लगता है। शिष्य तो बना लिया, लेकिन साधन में यदि प्रगति होती है तो संत अपने प्रेम के कारण अपने शिष्य को जरूर सजाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। संतों को प्रायः कोई अच्छा नहीं कहता। वे एक आदमी का कल्याण करते हैं तो उसके 10 नातेदार उनकी ओर उंगली उठाते हैं। संतों को पहचानने के लिए जो गुण बताए गए हैं वे उनकी परीक्षा लेने के लिए नहीं बताए गए और उन गुणों का उस दृष्टि से कोई लाभ भी नहीं होता। वे इसलिए बताए गए हैं कि हम उन गुणों का आचरण करें। संतों के पास रहने वालों को 3 प्रकार की हानियां और 3 प्रकार के लाभ होते हैं। उनमें हानियां इस प्रकार हैं: 1, वेदांत अच्छे ढंग से बोल पाते हैं। 2, संतों के पास रहने से अनायास सम्मान होता है। और 3, वे यानी संत अर्थात गुरु सभी प्रकार की जिम्मेदारी संभालेंगे, इस झूठी भावना से मनुष्य मनमाना आचरण करता है। अब लाभ क्या होता है यह देखेंगे। 1, वह यदि संत के पास सत्य भावना से रहेगा तो कुछ विशेष प्रयास न करते हुए भी उसे परमार्थ का लाभ होगा। 2, उसका सम्मान होगा पर वह उसके परे होगा अर्थात इच्छा नहीं करेगा। 3, वेदांत के बारे में वह बोल नहीं पाएगा किंतु वह उसे आचरण में लाएगा। इसलिए संतों के पास वे जैसा कहे वैसा रहे, सम्मान की अपेक्षा न करे और वेदांत के बारे में प्रायः न बोले। व्यावहारिक वासनाओं की तृप्ति के लिए संत नहीं होते, यह जानकर उनकी संगति करे। तेल और बत्ती हो तो दीपक जलाने में जैसे देरी नहीं लगती, वैसी ही हमारा मन आस्तिक हो तो सत्संगति का परिणाम होने में देरी नहीं लगती। आज का मुख्य विचार: संतों को पहचानने के लिए अनुसंधान के सिवाय दूसरा साधन नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।